लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे मैं जाकर आज ही पुरोहित परिवार से चर्चा करता हूँ। तब तक अम्मा को हम कुछ नहीं बताएंगे। मैं जो वार्तालाप करना चाहता हूँ वो देव बाबू के सामने करना नहीं चाहता। मैं यहाँ देव बाबू के लिए अपनी पुत्री राधिका का विवाह प्रस्ताव लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे ज्ञात है कि मेरा ये प्रस्ताव इस क्षण आपको अनुचित प्रतीत हो रहा होगा, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में जब विशाखा ने आपके परिवार को और देव बाबू को इतना कष्ट दिया है, उसे कम करने का इसके अतिरिक्त और कोई भी उपाय मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। माँ जी, आप जानते हैं शास्त्री जी आप क्या कह रहे हैं? आप शायद भूल गए हैं शास्त्री जी, राधिका को हमारे घर से एक बार निकाला जा चुका है। राधिका को हमारे घर में एक अनजान व्यक्ति के साथ रात को पाया गया था, और तो और उसने तो ये भी स्वीकार कर लिया था शास्त्री जी कि वो व्यक्ति राधिका से ही मिलने आया था, याद है ना आपको? हाँ। फिर भी आप देव का हाथ राधिका के हाथ में सौंपना चाहते हैं? क्योंकि मुझे ज्ञात है कि राधिका आप सबके सम्मुख क्यों मौन रही। उस रात्रि जो कुछ भी हुआ उसमें राधिका का तनिक भी दोष नहीं था। वो व्यक्ति जो उस रात्रि आपके घर आया था वो पूरब था, विशाखा का मित्र, और वो विशाखा से मिलने आया। विशाखा को अभिनय क्षेत्र में जाने के स्वप्न उसी व्यक्ति ने दिखाए थे। राधिका इस विषय में जानती थी, इसी कारण उसने सारा दोष अपने माथे पर लेकर अपनी बहन के सम्मान की रक्षा की। बाल्यावस्था से ही राधिका अपनी बहन के अपकृत्यों पर पर्दा डालने की चेष्टा करती रही। उस रात्रि भी उसने वही किया, क्योंकि उसे उसे ज्ञात था कि आप विशाखा को कभी क्षमा नहीं करेंगे। मेरी बेटी राधिका के जाति और कुल के विषय में भले ही मुझे ज्ञान ना हो, परंतु मैं इतना पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं माँ जी कि मेरी राधिका जैसी पवित्र आत्मा इस धरती पर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। हाँ शास्त्री जी, मेरा भी मन यही कहता था कि राधिका निर्दोष है। उसके चेहरे पे सच्चाई का तेज है। माँ जी, अब जबकि सारा सत्य आपके सम्मुख आ चुका है, अंतिम निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं, आप पर छोड़ता हूं। राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे।
राधे राधे। यहाँ कहाँ ऐसे खड़े हैं? जा रहे थे? पीछे पर किसर के हाथ में? क्या हो? इस शास्त्री जी यहाँ कहाँ आए थे? अरे इनका बेटी ने इस घर का इतना बड़ा अपमान किया, उसके बाद भी उनका यहाँ आने का जिगरा हो गया? नहीं, दरअसल वो शास्त्री जी जन्माष्टमी पूजा के बारे में बताने आए थे। गुरु जी चाहते हैं कि ये पूजा उनके निर्देशन में हो। ओ, तब पंडित पंडित भाई जा रहा। ठीक है चाची माँ, जैसा आप ठीक समझे। बंसी बजैया कहते हैं बिना बात काहे सर खपाना। नहीं ठीक है। माँ जी, आपको नहीं लगता कि शास्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में घर के बाकी लोगों से भी बात कर लेनी चाहिए? अभी नहीं बहू, पहले मुझे देव का मन टटोलने दो, उसके बाद सबसे बात करेंगे। देवकी जी, तू चावल समेट। हाँ। जल्दी बताइए ना जी, मुझसे तो एक पल भी रहते नहीं बन रहा। ओ, मैं लल्ला, कहाँ गया था? बड़ी देर कर दी। आपने भोजन कर लिया अम्मा? हाँ, हमने तो कर लियो, तू भी कर ले। बहुरिया, जल्दी से लल्ला का खाना परोस दे। बार बार गरम करे से खाने में स्वाद ना रहता है। जा। जी अम्मा जी, परोस देती हूँ। अच्छा, भोजन कर ले। जल्दी से बताइए ना जी, क्या हुआ? देखिए, हमको जो है सबसे एक जरूरी मुद्दे पर चर्चा करनी है। हालांकि ये बात पहले भी उठी थी लेकिन चाची माँ ने नजरअंदाज कर दी थी, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है और आंख फाड़े खड़ा है हम सबके सामने। चाची माँ, आप तो जानते हैं कि बिना अर्धांगिनी के देव बाबू जो हैं, ना तो जन्माष्टमी की पूजा में बैठ सकते हैं और ना ही महाआरती कर सकते हैं, जैसे कि रिवाज है। अर्जुन की माँ के स्वर्गवास के बाद
हम कभी कोई पूजा अनुष्ठान में नहीं बैठे, हम जो है रिवाजों का सम्मान करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जन्माष्टमी की पूजा और महाआरती में जैसे स्थापना में अर्जुन और दीपिका को बैठाया गया था ना, वैसे ही दोनों को बैठा दीजिए। क्या बिना बात बहस करके माहौल खराब करने से क्या फायदा? ऐसी स्थिति में इतना दूर दूर से लोग हमारे जन्माष्टमी उत्सव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, क्यों बड़ी बात? बिल्कुल। और इतना ही नहीं, दिल्ली पहुंचकर देव बाबू के राज पुरोहित बने रहने पर भी हमको विचार करना होगा। ऐसे व्यक्ति को तो राज पुरोहित नहीं बने रहने दे सकते हैं ना, जिसकी पत्नी ही घर छोड़ के भाग गई हो। चाची माँ, देखिए ये कोई हमारी निजी राय तो है नहीं, बाकी आप सब लोग जैसा उचित समझें करें। हम तो बंसी बजैया के उपासक हैं, सत्य कहेंगे और निर्भीक होकर कहेंगे। सुशील, जन्माष्टमी की पूजा देव ही करेगा। और इस बात को लेकर तुम देव से कोई चर्चा नहीं करोगे, उसे दुखी नहीं करोगे। अगर हर कदम में वो इस तरह से अपमानित होता रहेगा तो बिल्कुल टूट जाएगा। लेकिन विधि विधान, पूजा पाठ और जो परंपरा, आ गया बेटा, जा जाके हाथ मुंह धो ले, बिरजू खाना लगा देगा। हाँ चाची माँ, अब तो बेचारा बिरजू ही खाना लगाएगा। पत्नी तो है नहीं जो पति की राह तकती तकती भूखी बैठी रहे। सुशील, चाची माँ, देव के दुख की बात कर रहे हैं, देव का दुख हमारा दुख नहीं है। रहने दो बिरजू, मुझे भूख नहीं है। थक गए होगे ना देव, सारा काम अकेले जो करना पड़ रहा है। छोटी बहू तो है नहीं जो काम में तुम्हारा हाथ बटाती है ना। राधिका वहां थी और मदद भी कर रही थी, और शास्त्री जी ने काफी सारा काम अपने हाथ में ले रखा है। मुझे नहीं लगता कि देव को कोई परेशानी हुई होगी। जा बेटा, तू अपने कमरे में जा, मैं वहीं कुछ भिजवा देती हूँ। जल्दी से बताइए ना, क्या हुआ, क्या कह रहे थे वो लोग? क्रोधित तो नहीं हुए ना? कौन कौन था वहाँ? वहाँ केवल देव बाबू की माताजी और दादी माँ थी, उन्हीं से इस विषय में मेरी चर्चा हुई। और जैसा कि हमें आभास था देव की जी, मेरी बात सुनकर वो तनिक अचंभित तो हुए, परंतु फिर मैंने उन्हें समझाया, अपना प्रस्ताव विस्तार से उनके सम्मुख रखा, फिर भी वो कुछ असमंजस में थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप भलीभांति सोच विचार कर इस विषय में तभी निर्णय लें, अब देखिए क्या होता है, होई वही जो राम रची राखा। देवकी जी, आप भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और मैं भी करता हूं कि वो हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लें। देव, देव,
मैं यहाँ हूँ दादी माँ। तू भी ना आ। तुझे भूख नहीं ना सही, ये भोग का प्रसाद है, खा ले। क्यों रे, तुझे सब कुछ अकेले ही संभालना पड़ रहा है ना? जन्माष्टमी की सारी जिम्मेदारियां तेरे कंधों पे, बहुत परेशान हो गया होगा ना? कहाँ अकेले दादी माँ, इतने सारे लोग तो थे मेरी मदद करने के लिए। आपने भाभी से ठीक ही कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। देख, राधिका बहुत मेहनती लड़की है ना, कितना सारा काम करती है और हंसते मुंह, उसके चेहरे पे कभी शिकायत नहीं, शिकन नहीं। जब भी उसको देखती हूँ तो सोचती हूँ कोई भी लड़की इतनी मेहनती, इतनी मिलनसार, प्यारी, जिम्मेदार, एक साथ सब कैसे हो सकती है। जन्माष्टमी की तैयारी की आधी चिंता मेरी दूर हो गई जब मुझे पता चला कि राधिका वहां है। काफी मदद मिल गई होगी ना उसके रहने से? हाँ दादी माँ। राधिका के होने से सारी तैयारियां अच्छे से हो गई, कान्हा की मूर्ति से लेकर मंच, पंडाल, सब कुछ उसने अपने हाथों से सजाया है, बिना एक पल आराम किए। ऐसा लग ही नहीं रहा था दादी माँ कि ये सब उसके लिए काम है। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ उसकी भक्ति का हिस्सा है। वो अपने लिए नहीं जीती है दादी माँ, वो हर पल हमेशा सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचती है। अच्छा चल, अब आराम कर, थक गया होगा। वैशाली, क्या हुआ माँ जी, बात हुई दीप से? मैंने शास्त्री जी के प्रस्ताव के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसका मन टटोलने की कोशिश की। तो क्या लगा आपको? वो राधिका की बहुत इज्जत करता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने विशाखा से प्रेम किया था और इसलिए उससे शादी की। तो फिर क्या निर्णय लिया आपने? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या न करें। ऐसे में कोई भी निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। जलकर सो जाइए जी, मन बहुत विचलित सा हो रहा है देवकी जी, पता नहीं उन लोगों का क्या निर्णय होगा। कल जन्माष्टमी है जी, राधिका के आराध्य देवता का जन्मदिन। अपने जन्मदिन पर कान्हा अपनी सबसे बड़ी भक्त को इतनी छोटी सी खुशी तो दे ही सकते हैं ना? We'll be right back.
राधे राधे माजी। राधे राधे। इतनी रात्रि को आइए ना, आइए अंदर आइए। शास्त्री जी, हम लोग यही ठीक है। हम तो बस अपना फैसला बताने आए थे। शास्त्री जी, आपके प्रस्ताव पर हमने बहुत सोच विचार किया। कोई भी निर्णय पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। काफी सारी बातें थी जिसे देखना था, समझना था। पर हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि देव और राधिका की शादी हो जानी चाहिए। लेकिन शास्त्री जी, एक समस्या है जी। वो क्या है कि मैंने देव से इस प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैंने तो सिर्फ उसका दिल टटोलने की कोशिश की, मुझे ये आभास हुआ कि वो राधिका की बहुत इज्जत करता है। लेकिन प्यार तो उसने विशाखा से किया था ना, और शादी भी, इसलिए मैं समझ नहीं पाई कि ये बात मैं उसके साथ कैसे करूं। माची, ये प्रस्ताव मेरा था, इस कारण देव बाबू के समक्ष भी मैं ही रखूंगा। और श्री कृष्ण की इच्छा हुई है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। और उसके पश्चात ही मैं राधिका से चर्चा करूंगा, और कान्हा की इच्छा हुई तो वो भी इस प्रस्ताव के लिए ना नहीं कहेगी। शास्त्री जी, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं समझूंगी ये जन्माष्टमी मेरे जीवन की सबसे अच्छी जन्माष्टमी है। Thank you.